हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इंडियन फूड्स में। तो आज मैंगो शेक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसे पीने में बहुत यम्मी लगती है और बनाना भी आसान है, बहुत जल्दी बन जाती है कम मेहनत में। तो इसके लिए दो पके आम लिए हैं। तो आम को पहले छील लेंगे और इसे रफली काट लेंगे। तो दोनों आम को हम छील लेते हैं। दोनों आम को छील लिया है तो अब इसे रफली काट लेते हैं। इस तरह से दोनों आम को रफली काट लेंगे पीस पीस में और इसकी आठी हटा देंगे। और थोड़ा सा आम खराब निकल गए हैं तो उसे अलग कर देते हैं। तो आम कट गई है तो अब इसे हम ग्राइंडिंग जार में इसे आम का पल्प को डाल देते हैं सारा। और अब साथ में डाल देंगे टेस्ट अकॉर्डिंग चीनी। तो चीनी यहाँ पे 3 टेबल स्पून लिया है। और अब साथ में डालेंगे थोड़ी सी इलायची का पाउडर। इसे 3 से 4 हरी इलायची को कूट कर लिया है। बहुत अच्छा इसमें टेस्ट आएगा। अब इसमें 1 गिलास ठंडा दूध डालेंगे। तो ये ठंडा दूध है, मतलब बॉयल कर इसे ठंडा कर लिया है फ्रिज में रख कर। एक कच्चा दूध नहीं है, गर्म किया हुआ ठंडा दूध है। तो इसे हम 1 गिलास डाल देते हैं। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, इससे बहुत अच्छा यम्मी सी टेस्ट आएगी और मैंगो शेक का टेस्ट और बढ़ जाएगा। तो थोड़ा सा काजू बादाम पिस्ता काट कर इसे डाल दिया है। और अब साथ में ढेर सारा आइस क्यूब डालेंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे बारीक। इधर रुक रुक कर इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। और ये देखिए मैंगो शेक ग्राइंड हो गई है। और ये देखिए कितनी यम्मी सी बनी है और गाढ़ी है। अगर आपको लगे कि थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा है तो इसमें थोड़ा सा और दूध ऐड कर सकते हैं, इसे मिक्स कर सकते हैं, थोड़ा पतला हो जाएगा। अब इसे सर्विंग ग्लास में सर्व करेंगे। ठंडी ठंडी मैंगो शेक दोनों ग्लास में डाल दिया है। ऊपर से गार्निश करेंगे काजू बादाम पिस्ता और थोड़ी सी मैंने डाला है टूटी फ्रूटी। से बहुत लुक इसकी अच्छी लगेगी और पीने में भी यम्मी लगेगी। बच्चों को तो बहुत पसंद आती है टूटी फूटी। और ये देखिए कितना जल्दी ठंडी ठंडी मैंगो शेक बनकर तैयार हो गया है यम्मी सी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करिएगा। बाय बाय।